हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मेक श्योर आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और घर पर होंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हो। आज की वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं दीयू और मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। बाहर का रूम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं आज डस्टिंग कर लेती हूँ। और नीचे पलंग था ना, तो ईज़िली हो जाती है उस पर खड़े होकर। पहले प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी जो पलंग आ गया है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसको मैं बाहर निकाल कर रख देती हूँ, तो रूम में भी स्पेस नहीं भर रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर रही हूँ। दीयू भी नीचे लेटी है, और हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है सोने में। जमीन पर हम लोग सोते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, पर मैंने शेयर नहीं करी थी ये बात, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, इंसल्ट सी लगती है कि ये भी नहीं है कि वो भी नहीं है। तो पहली बार बता दूँ, ये मेरे पास कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे सब कुछ हो गया। और मैं अगर बोलूँ तो अभी मेरी तो कोई इनकम नहीं है, हस्बैंड की ही इनकम है, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और मेरी भी इनकम से मैंने जितना भी मतलब थोड़ा बहुत जितनी भी मैंने इनकम करी, उससे भी मैंने बहुत कुछ ख़रीदा, बहुत कुछ करा है। अभी के लिए मेरे पास 4-5 महीने से इनकम बहुत कम है। कम क्या है, आ नहीं रही है 2-3 महीने से, तो इकट्ठी हो जाती है। $100 तो चाहिए ही होते हैं इनकम आने के लिए, जो कि मेरे आपको दिखाई थे मेरे कितने बन रहे हैं, 40, 30, 50 इस तरीके से बन रहे हैं। तो 3-3 महीने में मेरे को कुछ ही पैसे मिल रहे हैं, 7,000-8,000 इस तरीके से मिल रहे हैं, तो बहुत ही कम है एक लाइफ को गुजारने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि 8,000-7,000 में कुछ भी नहीं आता, तो ऐसा है। और यहाँ पर देखिए बेड वगैरह जो है वो लगा रही हूँ, दीयू भी उठ गई है, तो दीयू यहाँ पर बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि लाओ बेड वगैरह लगा के और यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का ही अगर ये झाड़ू वगैरह का जो काम है वो हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे का मतलब ये है कि मतलब काम हो जाता तो एक बर्डन सा नहीं रहता। तो दीयू अब आप वहाँ से उठकर वहाँ बेड पर लेट गई, क्योंकि मैंने बोला पलंग हटाना है, दीयू हटो, तो दीयू बेड पर से हट के वहाँ लेट गई है, तो ऐसा है। और यहाँ से मैं जो भी पलंग है वो बाहर निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ तो स्पेस नहीं है, और कहाँ पर खड़ा करूँगी, तो स्पेस की तो बहुत प्रॉब्लम है। तो बाहर निकाल के मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, जो भी मैं बाहर कूड़ा वूड़ा था उसको हटाने के बाद, मैं ये पलंग है वो रख दूँगी। और यहाँ पर भी मैं काम मतलब झाड़ू लगा रही हूँ कमरे की, फिर मुझे आंगन की झाड़ू लगानी है और गैलरी की झाड़ू लगानी है। पूरे घर की झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ। और देखिए आप लोगों भी पलंग यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पर सफाई नहीं करी है, मैं सफाई करने के बाद ही उस पलंग को रखूँगी, क्योंकि वहाँ पर डस्टबिन भी रखा है। जो पार्सल वगैरह आते हैं ना, उसके कार्टून्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, सामान तो कम आता है, कार्टून इतने बड़े बड़े भेज देते हैं कि ऐसा लगता है ना कितना सामान आया होगा। तो जो कार्टून है वो भी मुझको ना सेट करके रखने हैं। और ये जो कार्टून है ना जो मैं हटा के रख रही हूँ, इसमें है दीयू के टॉयज़, और ये मैं टॉयज़ में मैंने छोटे छोटे कार्टून में रख दिए हैं। इस कार्टून में कुकर आया था, और एक कार्टून में आई डोंट नो क्या आया था, बट तो इस तरीके से मैंने उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। और बस अब मैं कर दूँगी यहाँ पर सफाई, साफ़ सफाई जितनी भी है वही। तो साफ़ सफाई सुबह आप लोग बताइएगा, सुबह सुबह साफ़ सफाई कौन कौन करता है? और पहले मैं करती थी मंदिर से आने का, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ पहले ही। अब मुझे डबल बार करने का मन नहीं करता, और बर्डन भी बहुत हो जाता है। कई लोग कहते हैं दीदी आप बहुत पतली हो गई हो, तो आज मैं अपने ऊपर मैंने बर्डन काफ़ी डाल लिया है। दोनों चैनलों को वीडियोस वगैरह बनाना, इस चैनल के भी देखिए रिव्यू वगैरह आते हैं वो भी, और साथ ही साथ स्पॉन्सर करना और वीडियो शूट करना, और फिर टेंशन हो जाती है जब व्यूज़ नहीं आते तो। और यहाँ पर देखिए मैंने ना जो झाड़ू वगैरह उधर से लगा दी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगी, और डस्ट कार्ड में कूड़ा भर लूँगी, और बाकी जो छोटा मोटा रेत होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए सारा कूड़ा वैसे इसमें भर देंगे, थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो बाहर कर देते हैं। तो ये ऐसा है मेरी यहाँ पर झाड़ू क्लीनिंग, और बस पोछा लगाना मेरा रह गया है, बाकी सारा जो काम होता है मेरा झाड़ू पोछा का और बाकी सब हो गया। बर्तन मांजना, बर्तन है नहीं है, रात में सारे फिनिश करके मैं सोती हूँ, मतलब कि मैं छोड़ती नहीं हूँ, रात में बर्तन सारे साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बस झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद मेरी जो क्लीनिंग है कमरे की वो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर पलंग
को रखूँगी यहाँ पे पलंग रखने के लिए। मैं पता क्या कर रही हूँ, नीचे जितना भी कूड़ा है ना पलंग के पीछे जो आ जाएगा वो सारा यहाँ से साफ़ कर रही हूँ। और ये जो कार्टून मैंने आपको बताए थे ना कि पार्सल में आते हैं तो वो कार्टून इकट्ठे हो जाते हैं, और मेरी दिया तो फेंकने भी नहीं देती, सेव कर करके रखती है सारे कार्टूनों को, तो वही मैंने निकाल दिया। बहुत सारे हो गए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, जगह भी नहीं, सबसे मेन प्रॉब्लम है स्पेस की कमी। तो स्पेस नहीं है ना तो ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जितने भी यूज़लेस कार्टून है उनको तोड़ तोड़ कर और डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो वहाँ पर मेरी जो सारा काम है वो हो गया है। तो मैंने ये पलंग देखिए इस तरह से खड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा और बाहर भी ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, स्पेस घेरे और चीज़ों को इधर उधर फेंक दो इसके लिए। और मेरे कल के कपड़े भी अभी भी डले हैं, मुझको वो भी उठा के तय बनाने होते हैं। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं, पोछा लगाने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ, दीयू जा रही है मंदिर, तो दीयू को दिखाऊँ, दीयू कितनी प्यारी लग रही है दो चोटी करा के। और मैंने आज है ना क्लीनिंग करी है, सारी डस्टिंग वगैरह करी है अच्छी तरीके से, गीले कपड़े से सूखे से। तो देखिए दीयू कितनी क्यूट बेबी गर्ल लग रही है ना। जय जनिन करो सभी से, जय जनिन। देखो कितनी प्यारी लग रही है दीयू की चोटी, कितनी प्यारी लग रही है ना। चलो हैंड वॉश करके मंदिर जाओ। तो अभी मतलब पोछा लगाने में जा रही थी, बाय कर रही है, पोछा लगाने में जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से गुड मॉर्निंग कर ले रही हूँ, फिर तो मंदिर से आके मिलती हूँ। और अभी फेस वॉश वगैरह मैंने कुछ नहीं करा है, बस यूं ही डस्टिंग में लगी हूँ, और ज़्यादा डीप डस्टिंग नहीं करी है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से साफ़ कर दिया है, और अंदर के आगे आगे की अलमारी पोंछ दी है, और ये साफ़ कर दिया, ड्रेसिंग कूलर और ये बेड वगैरह ये सब साफ़ कर दिया। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, थोड़ा ये विंडो वगैरह साफ़ कर दी है, बट अभी कुछ ज़्यादा पता है क्या, ये बाहर का रूम है ना तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, तो इसके कारण से फिर जल्दी करना पड़ा है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब थोड़ा देर में पोछा वोछा लगाने के बाद। सो मेरी झाड़ू वगैरह हो गई है, बाकी सारा जो काम था वो मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ गैलरी का पोछा लगाने के लिए। गैलरी का पोछा और रूम का पोछा मैं लगा दूँगी, फिर आंगन का पोछा लगा के मेरा ये सारा काम है वो हो जाता है। टाइम तो लगता है, आप लोगों को तो बहुत छोटी वीडियो लगती है कि बहुत छोटी वीडियो है, बहुत छोटी में हाल जल्दी काम हो जाता है। नहीं, इस वीडियो को, ये वीडियो मेरी 32 से 45 मिनट की वीडियो थी, जबकि मैं शॉर्ट कर करके शूट करती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतनी शूट करती हूँ, बाकी सब मैं हटा देती बंद कर देती हूँ, मतलब दिखा देती हूँ इतना काम हुआ है उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं रियल में बनाऊँ तो मतलब कितनी बड़ी वीडियो होगी, कम से कम 3-4 घंटे की तो वीडियो बनेगी, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचेगी। तो इतनी लंबी वीडियो तो कोई देखेगा नहीं डिटेल में, तो शॉर्ट शॉर्ट में मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो पोंछा है वो सारा लग चुका है, उसके बाद मैं अपने जो रूम में है दिया को पढ़ाना है, नहाने के बाद मैं मिलूँगी। तो यहाँ पर मैं मंदिर करके आ गई हूँ, आफ्टरनून को टाइम हो रहा है, नहा ली हूँ। और आज मैं दीयू को अपनी फ्रेंड के घर पर नहीं भेजा, कारण यह है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं था दीयू को, तो मैंने फिर उसको भेजा ही नहीं। मैंने, तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम्हारे किसी के घर पर नहीं जाओगी खेलने के लिए, तुम यहीं पर रहोगी। और फिर मैंने कि दीयू से बात करती जा रही हूँ, और मैं सब्ज़ी को कट कर ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं उसको याद करा रही हूँ फ्लावर्स की स्पेलिंग्स, जो भी चीज़ें होती हैं फ्लावर, सनफ्लावर वगैरह, जितने भी 5 फ्लावर्स नेम होते हैं उनकी स्पेलिंग याद करा रही हूँ दीयू को। और दीयू का मन होता है तो 5 मिनट के अंदर याद कर लेती हूँ, और दीयू का जब मन नहीं है ना तो आप उसे पूरे दिन भी याद कराओगे ना तब भी वो याद नहीं करेगी, बहुत आनाकानी करेगी, तो ऐसा है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो भी अपना जो भी काम कर रही थी, सब्जी वगैरह पोलना था वो भी पोलती जा रही हूँ, दीयू को यहाँ पर पढ़ाती जा रही हूँ। अच्छा, बच्चों पर बर्डन कितना ज़्यादा पड़ गया है ना, छोटे से बच्चों पर, मतलब स्कूल का करो, फिर स्कूल में तो डबल डबल काम दे दिया जाता है, मतलब बच्चों लगे रहें, फिर थोड़ा बहुत ट्यूशन का भी होता है। उसके बाद यहाँ पर जो लौकी वगैरह है वो मैं कट कर ले रही हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। दीयू को मैं समझाती भी जा रही हूँ, दीयू ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, और थोड़ा सा तो मैं डांट भी देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मरोड़ी बनाती है, मतलब याद यहाँ पर कर रही होगी, बातें कहीं और की करेगी, नानी नानू की तो याद आती है उसको। तो चले मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, है ना। तो गाइज, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने आप लोगों से मॉर्निंग में बात की थी, और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है शायद, हाँ 1 बज गया है, और दीयू यहाँ पर याद कर रही है, रिवाइज कर रही है फ्लावर्स स्पेलिंग्स, है ना। मेरी दीयू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बहुत समझदार भी है, जैसे होते हैं ना बच्चे जिद करते हैं किसी चीज़ को देखकर, या फिर उस पर ये चीज़ है तो मुझ पर भी क्यों नहीं है, मम्मी से बोलते, मेरी बेटी कभी नहीं बोलती, और मेरी फ्रेंड वगैरह भी तारीफ करते हैं इस बात में,
मेरी जो फ्रेंड है ना वो भी बोलती है कि दीव बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ही ज़्यादा मिच्योर है और कहीं भी इंसल्ट नहीं कराती। अगर उससे अगर ये बात बोल दिया ना तो दीव ये काम ऐसे कर लेना तो वो तुरंत कर लेती है, तुरंत कर लेती है ना। अभी कभी थोड़ा थोड़ा तो इरिटेट कर ही देते हैं, बच्चे अभी छोटी तो वो 4 साल की है। हाय सर, चुंबी सरवर से लग रही है ना, ढीली कर दूं तो इसको ना दीव छोटी नहीं करा सकती, उसके पता थोड़ा ये लगती है। अब शाम को करा लेना है ना, अब तो सही हो गई, सही हो गई, अब तो नहीं लग रही बाबू, अब याद कर लो है। सो ऐसा है, और पढ़ती है तो बहुत जल्दी कवर कर लेती है, नहीं पढ़ती है तो मरोड़ी बनाती है, है? पर अगर है ना इससे पता चल मुझे याद करना है, ट्यूशन का काम नहीं हुआ है, स्कूल का नहीं हुआ है, याद करना है मुझे, अपना काम टाइम टू टाइम करेगी जितना तो उसकी मैडम ने वगैरह ने दिया, बाकी एक्स्ट्रा टाइम में अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी तो वो नहीं पढ़ने के अंदर। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप दियो को लेके आए करो, दियो की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं लेके नहीं आती क्योंकि मेरी बेटी को ना कोई कुछ बोल जाए मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बेटी को क्या है, कोई भी किसी के बच्चे को भी बोले, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आपका हो, चाहे वो पड़ोसी का हो, बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, अभी रुक जाओ, बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, उनकी बात है कितनी अच्छी लगती है। और आजकल के बच्चे तो इतने समझदार होते हैं छोटेपन से ही कि उसको है ना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बेटी तो बहुत सीधी है, मैं फिर भी कहूँ बहुत सीधी है रोज तो। और लेकिन जो मेरी फ्रेंड की बेटी है ना वंशु, वो तो इतनी क्लेवर है, मतलब इतनी चालाक है। हमारे दीव तो देखो पता है इससे कोई छोटा होगा या फिर कोई वैसा होगा जैसे किसी पे कोई चीज नहीं है तो वो उसे दिया हमारी दे देगी, लेकिन वो तो ले आएगी पर किसी को देगी नहीं। और उसे तो हर बात में क्वेश्चन करने की आदत है, और क्वेश्चन करने भी चाहिए बच्चे को, जितना बच्चा क्वेश्चन करता है ना उतना बच्चा इंटेलिजेंट बनता है, ये बात सही है। और जितने बच्चे क्वेश्चन करते हैं करना चाहिए क्वेश्चन बच्चों को, ताकि समझदारी आती हो। मेरी बेटी तो मैं तो ये कहूँगी है समझदार, हर बच्चे को बनना चाहिए क्योंकि हर चीज़ में नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो काम आए उसके, उसको किसी से पूछनी ना पड़े। तो आज मेरे ना खाना नहीं बन रहा है और एक मुसीबत आ गई है, जो रिफाइंड था ना मेरा वो रिफाइंड बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो पराठे बनने के लिए बिल्कुल रिफाइंड नहीं बचा, और मैं हस्बैंड से भूल गई बताना, तो आज खाना नहीं बनेगा, चावल बनेंगे और लौकी की सब्जी बनेगी। और देखो शाम को बोलती हूँ हस्बैंड से तो शायद आ जाए, तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अभी थोड़ी देर में सब्जी बनाने के टाइम, मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, तब तक के लिए तो बाय। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सौतेली माँ के डिलीटेड सीन आ गए हैं, यानी कि जो आप लोग जो सोच रहे थे ना बहुत जल्दी वीडियो बन जाती है, बहुत बैंड बच जाती है वीडियो बनाने में, और खासकर हम लोग तो बिल्कुल सीरियस नहीं होते, तो हम लोग के लिए सीरियस वीडियो बनाना एक बहुत बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय। सो गाइस, मैं आप लोगों से बातें करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद मैं सो गई थी, और आज मैंने क्या बनाया था पता है, लौकी की सब्जी, तो मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत बार कर चुकी हूँ, और लौकी की सब्जी इस टाइम कुकर में बनानी पड़ रही है क्योंकि कढ़ाई में गल नहीं रही है, पता नहीं कैसी लौकी आ रही है, तो मैंने कुकर में बनाई थी तो थोड़ा सा जल्दी बन गई थी, मैंने क्या शेयर करूँ, लेट हो रही हूँ। तो यहाँ पर दीव को मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने चोटी बना ली है, बस नाइट केयर रूटीन करती हूँ, और बस 7 बजे का टाइम हो रहा होगा ये, तो बस 7 बजे दीव ट्यूशन जाती है। मैंने बताया ना उसकी बुआ लगती हैं, वो जस्ट बगल में ही रहती हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, एकदम अच्छा भी पढ़ाती हैं, और कोई कमी होती है तो उनको बता दो तो वो पूरा भी करती हैं। तो यहाँ पर बस नाइट केयर रूटीन के लिए मैं सबसे पहले सीरम लगा लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वाव की नाइट 5-in-1 नाइट क्रीम, जो कि आपके रिंकल्स और डार्क सर्कल वगैरह सबको ख़त्म करती है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ, और दीव को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, काम करूँगी, फिर सो जाऊँगी। हम मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप क्यों जरूरी है हर लेडीज के लिए, ये मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये आपका पैसों को बचाता है, दूसरे नंबर आपको कई सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि पैड लगाने से होती हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिलती चेंज करने की, तो हमें मजबूरन वही पैड लगाना पड़ता है, जिससे हमारी बैड स्मेल आती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अजीब सा अंदर से हैप्पीनेस होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं, इसके लिए मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का कप होता है, इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। साथ ही साथ यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, ये आपको 5 से 6 घंटे तक, वैसे 12 घंटे की इसकी होती है, लेकिन आप 6 घंटे तक इसे लगाकर उसे कहीं पर भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो आप इसे 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, यहाँ पिक्चर आ रही है, आप लोग उसे जाकर बाय कर सकते हैं।